नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिविल इंजीनियर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। सिविल इंजीनियर्स के लिए साइड इंजीनियर की पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। सीन कुछ ऐसा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बिल्डिंग वर्क स्टार्ट होने वाला है, तो वहां पर साइड इंजीनियर की जरूरत है, उसी पोस्ट को फिलअप करने के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। सो चलिए इस जॉब से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और यदि आपको यह जॉब मिल गई तो आपको पर मंथ सैलरी क्या मिलेगी, और इसके साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी की तरफ से आप सभी के लिए स्पेशल सूचना, यदि आप आने वाले एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 31 दिसंबर को प्राइस बढ़ने से पहले अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अनअकैडमी प्लस के द्वारा आपको मौका मिलेगा अनलिमिटेड क्विजेज, मॉक टेस्ट और कोर्सेज और बैचेज में हिस्सा लेने का, जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, जो बैच के साथ साथ स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशन के द्वारा क्लियर करते हैं आपका हर डाउट। यदि आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरे इस कोड का और 0.10% का डिस्काउंट, और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का कोड, और इनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर इनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद। सो चलिए नोटिफिकेशन पे आते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सो यहां पर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, यदि आपको यह जॉब मिल जाती है तो आपको एक बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट में वर्क करने का मौका मिलेगा। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट साइड इंजीनियर। सो यदि आपको यह जॉब मिलती है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइड इंजीनियर की पोस्ट पर कार्यरत होंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, और इसके साथ साथ यदि हम एक्सपीरियंस की बात करें, यदि आपका बीटेक है तो आपके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। सो यदि आपने बीटेक कर रखा है और आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, बट जाने से पहले प्लीज मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक कर देना। आपसे रिलेटेड यदि कोई भी जॉब आती है तो आपको इस चैनल पर जरूर से जरूर मिल जाएगी। डिप्लोमा स्टूडेंट्स की बात करें, यदि आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है तो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो यदि आप डिप्लोमा होल्डर हो और आपके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। आपसे रिलेटेड यदि कोई भी जॉब आएगी तो आपको इस चैनल पर जरूर से जरूर मिल जाएगी, बट जाने से पहले प्लीज मेरे दोस्त वीडियो को लाइक कर देना। सो यहाँ पर बीटेक स्टूडेंट के लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और डिप्लोमा के लिए 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। सो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, बट आप एलिजिबल हो तो जरूर से जरूर अप्लाई कीजिए, क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए। सैलरी की बात करें, यदि आपको यह जॉब मिलती है तो 25,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। सो यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी तो नहीं है, बट डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। जॉब टाइप की बात करें तो यह एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। स्टार्ट में आपको 18 मंथ के एग्रीमेंट पर रखा जाएगा। 18 मंथ कंप्लीट होने के बाद जब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट चलेगा, कंस्ट्रक्शन वर्क चलेगा, तब तक आपकी जॉब रहेगी। जॉब वर्क टाइप की बात करें, यदि आपको यह जॉब मिल जाती है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा उसका सुपरविजन आपको करना पड़ेगा और उसका डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको बनानी पड़ेगी। सो यहाँ पर वर्क भी बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं है। यदि आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस बिल्डिंग सेक्टर में हो जाता है तो आप बिल्डिंग के सभी वर्क अच्छे से करा सकते हो, और इसके साथ साथ बिल्डिंग का डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आप बहुत ही आराम से बना सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका इंटरव्यू होगा। यदि आप इंटरव्यू पास कर जाते हो तो आपको यह जॉब मिल जाएगी। इंटरव्यू डेट की बात करें तो 5 जनवरी 2021 को यह इंटरव्यू कराया जाएगा। इंटरव्यू लोकेशन की बात करें तो दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपका इंटरव्यू होगा। सो आप ये एड्रेस नोट कर लीजिए, इसी एड्रेस पे आपका इंटरव्यू होगा। सो यदि आप इस यूनिवर्सिटी के आसपास रहते हो और इस जॉब के लिए एलिजिबल हो तो इस जॉब के लिए जरूर से जरूर ट्राई कीजिए। इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपकी सीवी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, डिग्री की 2 कॉपी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए और सर्टिफिकेट की 2 कॉपी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो अभी के लिए बस इतना ही। प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना ख्याल रखें और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखें। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।